हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जिसके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे और उसकी शेप के बेसिस पर वो कितने टाइप्स का होता है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, तो वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स में आता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का मतलब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ। तो जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स में आता है। तो उन प्रोकैरियोट्स के हम या बैक्टीरिया के हम सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसकी सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो सेल होती है बैक्टीरिया की, वो उसमें तीन लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, सेल में तीन लेयर्स पाई जाती है जो कि सेल को कवर करके रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली सेल जो लेयर है वो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स। वो क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, अब ग्लाइकोकेलिक्स दो टाइप्स की हो सकती है, एक तो कैप्सूल होता है इसमें। ठीक है, एक तो कैप्सूल होता है और एक स्लाइम लेयर होती है। यानी जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप का होता है, किसी में वो कैप्सूल होता है और किसी में वो स्लाइम लेयर के रूप में होता है। ठीक है, दोनों का जो कंपोजिशन होता है कैप्सूल का और स्लाइम लेयर का वो लगभग समान ही होता है। जो अगर हम ग्लाइकोकेलिक्स की बात करें या कैप्सूल या स्लाइम लेयर की कंपोजिशन की बात करें, तो दोनों शुगर प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है इसके स्ट्रक्चर में शुगर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों जो शुगर प्लस प्रोटीन ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों में पाया जाता है। ठीक है, मेनली जो कंपोजिशन होता है वो शुगर प्लस प्रोटीन का होता है इनमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैप्सूल है वो टाइटली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, टाइटली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि जो शुगर प्लस प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो इसमें टाइटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, यानी ये टफ लेयर होती है कैप्सूल जो कि बैक्टीरिया को उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, यानी किसी भी अगर होस्ट सेल में ये एंटर करता है, यानी जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल है अगर वो किसी होस्ट सेल में एंटर करता है, तो उस जो होस्ट सेल का डिफेंस है या उसकी जो इम्यूनिटी है वो इस बैक्टीरिया को जिसमें कि कैप्सूल प्रेजेंट है उसको आसानी से किल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जो कैप्सूल है वो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है बैक्टीरिया को। अब जो स्लाइम लेयर होती है, अगर उसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो लूज होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूजली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, लूजली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो जो स्लाइम लेयर होती है वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब ये जो स्लाइम लेयर होती है वो कॉलोनी बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, जो कि अपने जो बायोफिल्म, ठीक है, बायोफिल्म में जब बनती है तो उसमें स्लाइम लेयर काम आती है। ठीक है, अपने जो दांत होते हैं उस पर भी बायोफिल्म पाई जाती है बैक्टीरिया की, जिसमें कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो आपस में जुड़ते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो वो किसके द्वारा जुड़ते हैं, जुड़े हुए होते हैं स्लाइम लेयर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई बात है ग्लाइकोकेलिक्स की। अब इसके बाद आता है सेकेंड लेयर है इसकी, सेल वॉल। ठीक है, क्या है, सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, शुगर
एमिनो एसिड, ठीक है, इसका कंपोजिशन होता है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो ये हो गई सेल वॉल की बात। अब इसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी ये है तीसरी लेयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है, यानी जो फ्लूड होता है उसको कवर करके रखती है सेल मेम्ब्रेन, ताकि वो बाहर ना जा सके, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, ये दो चीज़ों की बनी होती है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। अब हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर को कवर करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसका जो मेनली कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? वाटर, ठीक है, H2O इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अब यहाँ पर मैंने ब्लू ब्लू कलर में ये छोटे छोटे कुछ ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, तो ये यहाँ पर ये ग्रेन्यूल्स क्या हैं? राइबोसोम, ठीक है, ये क्या हैं? राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ये बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। जो बैक्टीरिया है उसमें राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है, ठीक है, 70S टाइप का पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फीचर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को अलग करने में, ठीक है। अब अगर अपन 70S इसको 70S यूनिट को हम डिवाइड करें, ठीक है, दो यूनिट्स से मिलकर बना होता है ये, एक तो 50S, ठीक है, और एक 30S, दो यूनिट्स से मिलकर बना होता है, 50S और 30S यूनिट्स से मिलकर 70S राइबोसोम बना होता है, ठीक है। तो ये हो गई राइबोसोम की बात है। अब इसके बाद बात आती है इसके जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो, उस पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन उस पर प्रेजेंट नहीं होती, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही खुला ही घूमता रहता है, ठीक है, बीच में ऐसे खुला घूमता रहता है, उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। जो यहाँ पर जो डीएनए है वो सर्कुलर है, ठीक है, जो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि इसके मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसके अलावा एक जेनेटिक मटेरियल और होता है इसमें, ये तो मेन जेनेटिक मटेरियल, अब इसके अलावा एक जेनेटिक मटेरियल और होता है, वो होता है प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड, ठीक है, ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, जो मेन डीएनए होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। अब यहाँ पर इसके जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ये काम क्या होता है इसका? एक तो जब टॉक्सिन्स रिलीज करता है, यानी टॉक्सिन्स को सिंथेसिस करने का काम करता है, और कॉन्जुगेशन के समय जो जेनेटिक मटेरियल है यानी जो प्लाज्मिड है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है वो एक रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अगर मैसेज भेजना है, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अगर जीन भेजनी है दूसरे बैक्टीरिया में तो कौन भेजेगा? यहाँ पर प्लाज्मिड भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी दिखाता है, ठीक है, अगर अपन बैक्टीरिया से इसको हटा दें तो जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स के प्रति कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है इसका प्लाज्मिड का।
अब इसके बाद बात आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो कुछ जगह पर इनफोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ इनफोल्ड हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? मीजोजोम, मीजोजोम, ठीक है। अब ये मीजोजोम क्या काम करता है? इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसमें किसका काम करते हैं? रेस्पिरेशन का, ठीक है। यानी अगर हम बोलें कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कौन कौन सा पार्ट होता है सेल का जो कि रेस्पिरेशन करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मीजोजोम है वो रेस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है। तो यहीं से इसके लिए एटीपी जनरेट होती है, सारा जो एनर्जी जनरेशन का काम होता है वो कहाँ पर होता है? मीजोजोम में होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि जो बैक्टीरिया है वो मूवमेंट कैसे करता है, ठीक है। तो उसमें मूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि सेल के बाहर निकली रहती है, सेल मेम्ब्रेन से सेल के बाहर निकली रहती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेजेला, ठीक है, फ्लेजेला इसको बोलेंगे, जो कि मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, ठीक है, जो कि सेल से बाहर की तरफ निकली रहती है। ये यहाँ पर मैंने शो कर रखी है, ठीक है, मैंने कुछ ही पार्ट बनाया है इनका, ये पूरी सेल पर पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें जो छोटी वाली हैं, जो छोटी वाली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? फिम्ब्री, उनको हम क्या बोलेंगे? फिम्ब्री। और जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? पिलाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिम्ब्री है वो किसी भी सरफेस पर बैक्टीरिया को अटैच करने के काम आती है, ठीक है। जब उसको किसी भी सरफेस पर अटैच होना होता है तो वो फिम्ब्री की मदद से अटैच होता है, ठीक है। और पिलाई का क्या काम करता है? जब बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन होता है, तो उस समय जो पिलाई होता है वो जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है दो बैक्टीरिया के बीच में पिलाई, जो कि जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको को इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।